राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। राधे कृष्ण 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 Radhe 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 Rad
भजोरे प्यारे प्रियतम श्री घनश्याम विप्रसुदामा द्वारे आयो रुक्मणी छाण द्वार पे आयो। रुक्मणी जी को छोड़ के भगवान द्वार पे गए, देखत ही यही रे लिपटायो, विप्रचरण न सुन धुलवायो। ऐसे दीन दुख नाशन है घनश्याम। पांडव के वन दूत पधारे हो, दूत बन के गए पांडवों के पास, चले हस्तिनापुर रिप द्वारे, शत्रु के द्वारे पे गए, दुर्योधन के भोग विचारे हो। दुर्योधन ने कहा था ये कृष्ण बड़ा चट्टू है, इसको अच्छा भोजन दो, अरे गोपियों घर सिखाए, सारे नगर की सुंदर स्त्रियां अगवानी करें, दोनों पंक्तियों में सब सुंदर स्त्रियां खड़ी थी। भगवान चले द्वार पे पहुंच गए, दुर्योधन के भोग सब छोड़ दिया, उसने बड़े बड़े पदार्थ बनाए, बिजरानी के यहाँ गए जहाँ नहा रही थी नंगी। ठाकुर जी ने बोले काकी कौन है? मैं कृष्ण हूं। ऐसे प्रेम में पागल भई, कपड़ा भी नहीं पहने नंगी दौड़ गई। श्याम सुंदर ने अपना दुपट्टा उसको ओढ़ाया और बिजरानी बैठ गई। छिलका तो श्याम सुंदर के दे और केला फेंक दी जाए, उतने बिदुर जागे, देखा छिलका खवा रही है, पागल है प्रेम में। बोले अरे छिलका खवा रही है और केला फेंक रही है,
हट जा, तो बैठ गए और केला देने लगे। श्याम सुंदर बोले, नहीं, जो छिलका में स्वाद था जो तुम्हारे केले में नहीं है। छिलका खाए, महाभारत में दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी, दुर्योधन पहले पहुंचा, अर्जुन पीछे पहुंच, दुर्योधन जब आगे गया था कुछ देर में अर्जुन आए, वो उनके चरणों में बैठ गए। प्रभु ने पूछा, आप कैसे आओ? दुर्योधन बोला, मैं पहले आया हूं। आप क्या ले हुए? बोले, युद्ध होने वाला है, प्रभु। बोले, एक तरफ मैं रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला, रे जब लड़ोगे नहीं तो क्या फायदा, हमको अपनी सेना दे दो। अर्जुन ने कहा कि हमें आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए। दोनों लौट गए, सारी सेना द्वारका की दुर्योधन की ओर गई और भगवान पांडवों की ओर। अर्जुन के रथ के सारथी बन गए भगवान, सबसे नीच काम। सारथी नीचे बैठता है और लड़ने वाला ऊपर। और जिधर जाना है रथ को, ऊपर से ठोकर मारता है, दाहिने पांव की ठोकर, तो दाहिने तरफ रथ से ले चलो, बाएं पांव उठेकर बाएं तरफ। सबसे नीच काम किया, और 18 दिन रथ चलाए अर्जुन के चरणों में बैठ कर। युधिष्ठिर ने राजस्य किया, सबने ऊंचे ऊंचे काम लिए, भगवान ने चरण धोने काम लिया। और जो भोजन होता है उसकी जूठी पत्तल उठाने काम लिया, जो भंगी करता है, ये पद है। भजो रे प्यारे प्रियतम श्री घनश्याम भज, श्री घन श्याम, श्री घन श्याम, श्री घन
श्री घन श्याम श्री घन श्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम भजो रे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम 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 भजो रे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम दीन सुदामा द्वारे आयो दीन सुदामा द्वारे आयो दीन सुदामा द्वारे आयो रुक्मिणी छाण द्वार पे ध्यायो रुक्मिणी छाण द्वार पे ध्यायो सुदामा नाम सुनते ही दौड़ गए छोड़ दिया रुक्मिणी को रुक्मिणी छाण द्वार पे धायो विप्र सुदामा द्वारे आयो विप्र सुदामा द्वारे आयो रुक्मिणी छाण द्वार पे धायो रुक्मिणी छाण द्वार पे धायो देखत ही हियरे लपटायो गरीब ब्राह्मण को भगवान लिपट गए देखत ही हियरे लपटायो देखत ही लपटायो अपने आंसुओं से उनके चरण धोए विप्र चरण असुमन धुलवायो विप्र चरण असुमन धुलवायो विप्र चरण असुमन धुलवायो क्योंकि दीन दुख नाश श्री घन श्याम विप्र दीन दुख नाशन श्री घन श्याम दीन दुख नाशन श्री घन श्याम भजो रे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम
श्री घनश्याम श्री घनश्याम श्री घनश्याम श्री घनश्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घनश्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घनश्याम श्री घनश्याम श्री घनश्याम दीन दुख नाशन श्री घनश्याम दीन दुख नाशन श्री घनश्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घनश्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घनश्याम पांडवों के वन में दूत बन के गए भगवान पांडवों की तरफ से दूत सबसे छोटा गुरु पांडव के बन दूत पधारे आ पांडव के बन दूत पधारे दूत पधारे दूत पधारे दूत पधारे दूत पधारे दूत पधारे चले हस्तिनापुर को चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे शत्रु के द्वार पर गए दुर्योधन ने सुना कृष्ण आए हैं उसने कहा कृष्ण तो बड़ा चट्टू है और गोपियों का रसिक है इसको हम वश में कर लेंगे नगर की सारी स्त्रियां दोनों तरफ खड़ी हो जाएं घूंघट खोल के और बड़ा सुंदर भोजन बनवाया पांडव के बन दूत पधारे चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे शत्रु के द्वार पर गए चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे गोपाल 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 पांडव के बन दूत पधारे चले हस्तिना
पुर रिपु द्वारे हस्तिनापुर गए शत्रु के दरवाजे पे चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे दुर्योधन के भोग बिसारे बड़े बड़े दिव्य पदार्थ छोड़ दिए नहीं भोजन किया और विदुर के घर गए दुर्योधन के भोग बिसारे विदुरानी नहा रही थी काकी आवाज दिया श्याम सुंदर ने कौन है कृष्ण कृष्ण नाम सुनते प्रेम में पागल हो गई अरे दुर्योधन महाराज ने बुलाया वहां नहीं गए किवाड़ खोला प्रेम में डूब गई कपड़ा पहनना भूल गई नहा रही थी किवाड़ खोला देखा कृष्ण है भगवान ने देखा ओहो ये तो पागल हो गई नंगी आ गई अपना पीतांबर उसको ढक दिया विद्रानी बैठ गई श्याम सुंदर बैठ गए केला के छिलका केला रही इसको प्रेम कहते हैं छील करके केला फेंकती जाए और छिलका देती जाए श्याम सुंदर छिलका खाने लगे गोपाल 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 रे गोपाल गोपाल रे गोपाल गोपाल रे गोपाल 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 रे गोपाल जोरे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम बजोरे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम उन घन श्याम का भजन करो छिलका खा रहे हैं रानी खिला रही है पीतांबर ठाकुर जी ने पहना रखा है ढक दिया इसको प्रेम कहते हैं विदुर जी ने सुना कि हमारे घर गए हैं यहां का भोजन छोड़ कर गए दौड़े आए देखा छिलका खिला रही
डांट लगाई लगाई, हट जा, प्रभु को छिलका खिलाती है। हट गई बेचारी, खेला देने लग गई विदुर जी। श्याम सुंदर बोले, जो स्वाद छिलके में था वो तुम्हारे केले में नहीं है। इन छिलकों के लिए मैंने वहां दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए। पांडव के बन दूत पधारे, चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे, दुर्योधन के भोग बिसारे, दुर्योधन के भोग बिसारे, विदुरानी के छिलका प्यारे, विदुरानी के छिलका प्यारे, बजोरे बजोरे प्रेम धन, बजोरे प्रेम प्रेम धन धारण श्री घन श्याम प्रेम, प्रेम धन धारण श्री घन श्याम, भजोरे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम, 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 श्री माने राधा रानी, श्री घन श्याम, श्री घन श्याम, भजोरे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम, भजोरे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम, गोपाल 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 गोविंद 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 गोपाल 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 प्यारे प्रीतम श्री
घन श्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम 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 भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम 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 भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम सुदामा द्वारे आयो रुक्मिणी जी के साथ भगवान भीतर पलंग पे बैठे थे। तब तक द्वारपाल ने कहा महाराज कोई मिलने आया है। कौन है? एक बड़ा गरीब, न ढंग के कपड़े हैं न पांव में जूती है। तो कौन है भाई? अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे सुदामा हमारा मित्र आ गया, नंगे पांव दौड़िए। विप्रसुदाम द्वारे आयो विप्रसुदाम द्वारे आयो रुक्मिणी छाण द्वार पे धायो रुक्मिणी महारानी को छोड़ दिया। रुक्मिणी छाण द्वारे धायो रुक्मिणी छाण द्वारे धायो देखत ही हियरे लपटायो सारी द्वारका देख रही है। द्वारकाधीश भगवान राजाओं के महाराजा दौड़े जा रहे हैं, जाकर के लिपट गए। देखत ही यरे लपटायो लपटायो पानी नहीं था। कितने प्रेम के आंसू बहे उससे उनके चरण धोने लग गए।
विप्र चरण असुमन धुलवायो मित्र चरण असुमन धुलवायो दीन दुख नाशन श्री घनश्याम दीन दुख नाश श्री घनश्याम बजोरे प्यारे प्रेत श्री घनश्याम पांडव के बन दूत पधारे दूत नौकर होता है पांडवों की ओर से दूत बन गए पांडव के बन दूत पधारे चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे द्वारकाधीश महाराज दूध बन के जा रहे हैं कहां जा रहे हैं शत्रु के दरवाजे चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे दुर्योधन ने कहा था कृष्ण बड़ा चट्टू है गोपियों के साथ रास करता है इसलिए अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ वहां नहीं गए भगवान रथ से उतर के विदुर के यहां गए चले हस्तिनापुर रिपु द्वारे ऐसा बनना चाहिए दुर्योधन के भोग बिसारे दुर्योधन के भोग बिसारे घर पहुंचे विदुर के घर विदुर एक साधारण सा मंत्री था विदुर जी बोले अरे तुझे देखा नहीं भैया छिलका दे रही प्रभु को हट जा बैठ गए अकेले रहने लगे छिलका फेंकने लगे श्याम सुंदर बोले काका जो स्वाद छिलके में थे वो केले में नहीं है विदुरानी के छिलका प्यारे छिलका प्यारे छिलका प्यारे छिलका
प्यारे विदुरानी के छिलका प्यारे विदुरानी के छिलका प्यारे प्रेम धन धार श्री घन श्याम प्रेम धन धार श्री घन श्याम अजोरे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम 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 प्यारे प्रिय तम श्री घन श्याम गोपाल 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 रे गोपाल अर्जुन भी गया बुलाने उधर से दुर्योधन दुर्योधन पहले पहुंचा भगवान ने उसको अपने सिराने बैठाया अर्जुन पीछे आए भगवान के चरणों में बैठ गए आंख खुली देखा नीचे अर्जुन बैठे हैं बोले आप कैसे आए हो दुर्योधन बोला हम पहले आए हैं आप लोग क्यों आए महाभारत होने वाला है आपको निमंत्रण देने आए युद्ध होगा भगवान बोले एक तरफ मैं रहूंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा दूसरी तरफ हमारी द्वारका की सेना रहेगी लड़ाएगी आप लोग पसंद कर लो दुर्योधन बोला हमें सेना दे दो हमें लड़ना है अर्जुन बोले हमें सेना नहीं चाहिए हमें तुम चाहिए ठीक है युद्ध शुरू हुआ भगवान सारी थी नौकर बन गए
युद्ध भूमि है। अपने परिवार के लोगों के दुर्योधन भाई है, दुशासन सब, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य सब खड़े हैं। उसको मोह हुआ इनके ऊपर बाण कैसे चलाएंगे, ये हमारे गुरु हैं, ये दादा हैं, कार्पण्य दोषो पात स्वभाव, सब धनुष बाण फेंक दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पृच्छामि त्वां धर्म विमूढ चेता, शिष्यस्ते हम साधित्वा मां प्रपन्नम, हम तुम्हारे शिष्य हैं, हमें बताओ हम क्या करें। अर्जुन मोह्यो युद्ध भूमि में, अर्जुन मोह्यो युद्ध भूमि में, गीता ज्ञान दियो हरि रण में, गीता ज्ञान दियो हरि रण में, बने सारथी सेवक रथ में। त्रिलोकीनाथ द्वारकानाथ भगवान नौकर बन के अर्जुन के चरणों में बैठे, बने सारथी सेवक रथ में, बने सारथ सेवक रण में, अर्जुन के आज्ञा पालन में, द्वारकानाथ तीन लोक के नाथ होकर के अर्जुन की आज्ञा मान रहे हैं। अर्जुन के आज्ञा पालन में, करत रथ चाल श्री घन श्याम, करत रथ चाल श्री घन श्याम, 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 भजोर प्यारे प्रिय श्री घन श्याम, जोरे प्यारे प्रियतम श्री घन श्याम, युधिष्ठिर ने राजसूय किया, कौरव भी आए थे, भगवान ने जो भंगी काम करता है झूठी पत्थर फेंकने का वो लिया, सबने अच्छे अच्छे काम लिए, भगवान ने सिर्फ चरणों धोने काम लिया। राजसु यज्ञ
युधिष्ठिर कियो। नीच टहल सब सो नीच टहल हरि लियो। सब सुम नीच टहल हरि लियो। ऋषि विप्रन पद हरि ने धोयो। झूठी पात सिर रख ढोयो। झूठी पत्र जो भंगी उठाता है, सबकी झूठी पत्र उठाई भगवान ने। झूठी पात सिर रख ढोयो। दिखाया छोटे बनो बड़े नहीं बनो। दास के दासन श्री घन श्याम। दास के दासन श्री घन श्याम। श्री घन श्याम श्री घन श्याम। भजो रे प्यारे प्रीत श्री घन श्याम। भजो रे प्यारे प्रीत श्री घन श्याम। श्री घन श्याम श्री घन श्याम। श्री घन श्याम श्री घन श्याम। भजो रे प्यारे प्रीत श्री घन श्याम। श्री घन श्याम श्री घन श्याम। श्री घन श्याम श्री घन श्याम। भजो रे प्राय प्रीत श्री घन श्याम। भजो रे प्यारे प्रीतम श्री घन श्याम। राधा रानी की इस पद का भाव यह है कि आदमी को बड़ा नहीं बनना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने दिखाया। ब्रज में थे तो ग्वाल बालों के गोपियों के दास बन गए।